और जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। लाहौर भर की गलियों, बाजारों और मस्जिद को सजाने का सिलसिला जारी है। रंग बिरंगी लाइट्स खरीदने के लिए शहरी मार्केटों का रुख कर रहे हैं। मजीद जानते हैं मियां असगर सलीमी से। 12 रबीउल अव्वल से पहले ही रहमतुल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत पाक की खुशियां मनाने का सिलसिला शुरू हो गया। आशिकान रसूल गली मोहल्लों, मस्जिदों, बाजारों और इमारतों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा रहे हैं। शहरियों की बड़ी तादाद शालमी मार्केट का रुख कर रही है, जहाँ कोरोना रॉकेट, जुगनू और गोली लाइट्स में दूसरी लाइट्स की खरीदारी अरूज पर है। पिछली बार जो मतलब कह लें 100 रुपए की लड़ी मिल रही थी, इस दफा वो 300 रुपए की हो गई है और बस अभी देख रहे हैं। बच्चों के साथ आए हैं लाइटें लेने। बच्चों की ख्वाहिश हमारी तो है ही है, लेकिन अब बच्चे भी चाह रहे हैं कि दूसरों के घरों में देखते हैं लाइटें लगी हुई हैं। दुकानदार भी लाइट्स की बड़ी तादाद में फरोख्त पर खुश हैं। 15 साल हो गए तकरीबन ये काम करते हुए और इस वक्त गाहक का रिस्पॉन्स अच्छा है। काफ़ी वैरायटी है और काफ़ी लोग खुश होकर लेकर जा रहे हैं, लगा रहे हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ इतवार को मनाया जाएगा, जबकि शहर की फजाएं कई रोज से दुरूद सलाम की सदाओं से मुअत्तर हैं। मियां असगर सलीमी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।